पानी के अंदर नहीं जाएगा। प्लीज आपको अपने पीछे हटिए, प्लीज प्लीज कुछ करिए ना, दोनों डूब जाएंगे। सर प्लीज कुछ कीजिए आप, प्लीज सर प्लीज आप पानी में कूदिए। आप पीछे हटिए प्लीज। इशिका! रूप! रूप! पीछे आप क्या हुआ? हल्ला क्यों मचा रहे हो इतना? अरे इशिका अंदर डूब रही है। रूपी खुद गया। प्लीज उसे बचा ले, प्लीज प्लीज रवि उसे बचा ले। प्लीज आप रुकिए, पानी का फ्लो बहुत ज्यादा तेज है, इस वक्त पानी में जाना खतरे से खाली नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं, प्लीज आप हटिए। हेलो हेलो, आवाज सुनाई दे रही है? दो लोग डूब गए यहाँ पर, इमरजेंसी है। डाइवर्स भेजो अभी रेस्क्यू के लिए, डाइवर्स भेजो। लड़की इशिका को तुम ही ने पानी में धक्का दिया था ना? झूठ मत बोलना, हमने देखा तुम्हें इशिका को धक्का मारते हो। आते हुए हमने ये भी देखा कि उसे बचाने के लिए रुपेंद्र भी पानी में कूद गया। और अब ये तुम्हारी बहकी हुई हालत देखकर ये समझ में आ रहा है कि तुम रुपेंद्र से प्यार करती हो ना? लव इशिका। बहुत प्यार करते हैं हम, बचपन से एक साथ हैं, बेस्ट फ्रेंड है वो मेरा। अब हम तुमसे सिर्फ एक ही सवाल पूछेंगे जिसका सही सही जवाब देना है तुम्हें। शायद उसका जवाब देते हुए तुम्हें भी समझ में आ जाए कि तुम्हें अपनी जिंदगी में क्या करना है। अब समझ लो कि ये वो रुपेंद्र है जिससे तुम एक तरफा प्यार करती हो, और ये वो रुपेंद्र है जो तुम्हारा बचपन का सबसे अच्छा दोस्त है। अब इन दोनों में से अगर तुम्हें किसी एक को चुनना हो तो किसको चुनोगी? मैं अपने एक तरफा प्यार की वजह से अपने दोस्त को नहीं खोना चाहती। मेरे में फ्रेंडशिप सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, खूब इम्पोर्टेंट है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। थैंक यू सो मच। आप दोनों की वजह से मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कितनी गलत थी और गलती। थैंक यू सो मच। अब समझ गई ना? कितनी बड़ी गलती हो गई। इसका मतलब मैंने मैंने इशिका को धक्का दे दिया है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्या 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 किया तूने यार? जानती है ना कि रुपेंद्र इशिका से प्यार करता है और हमेशा उससे करता रहेगा। और सुन, पर ये बात तू जितनी जल्दी एक्सेप्ट करेगी ना, तेरे लिए अच्छा रहेगा। अब तो जल्दी से इशिका और रुपेंद्र को ढूंढते। क्या बोला? कमर पे हाथ रख के क्या बोल रहे हैं? मुझे नहीं मिल रहे। जीती जागती लड़की है वो, मिट्टी का पुतला नहीं जो घुल जाएगा पानी में। ढूंढो। अगर हम कोई मदद कर सकते तो प्लीज बताइए। गांव की सरहद पर नदी के पानी की गहराई कम हो जाती है और पानी का भाव भी थम जाता है। तो गांव के सरहद पर जाके ढूंढे। हाँ? मैं चाहता तो नहीं, लेकिन अगर मर गए हो तो ठीक है, लेकिन जिंदा हो तो साथ में नहीं होने चाहिए। बस अब हम साथ चलते हैं ना, ज्यादा लोग होंगे तो ढूंढने में आसानी होगी, जल्दी मिल जाएंगे वो लोग। हाँ चलिए। इशिका! मिली क्या वो कहीं दिख नहीं रहे, हमें कहीं और ढूंढना पड़ेगा। उधर चलो चलो। इशिका, आंखें खोलो। इशिका, इशिका, थैंक गॉड इसकी नब्ज चल रही है। तो आंखें खोलो। इशिका, हेलो कोई है? इशिका आंखें खोलो। इशिका देखो, हम किनारे पर पहुंच चुके हैं, पानी बढ़ रहा है, तो आंखें खोलो। इशिका, इशिका, कोई है? इशिका आंखें खोलो, आंखें खोलो। इशिका, इशिका, को जानता हूं। वापस आया होगा तो नदी के किनारे ही आया होगा। नदी के किनारे चलते चलते रास्ता ढूंढने की जरूर कोशिश करेगा। सबको नदी से दूर करना पड़ेगा। तो मुझे मिलने के बजाय रुपेंद्र और इशिका इन लोगों को मिल जाएंगे। इधर आओ। यहाँ वहां ढूंढने से कुछ नहीं होगा। एक काम करो, ये जंगल के अंदर जाके ढूंढो। चलो जाओ, कौन जल्दी। रुपेंद्र का तो मैं ही ढूंढूंगा। अगर मेरी इशिका उसके साथ ना मिली ना, तो इशिका को भी ढूंढकर उसके सामने उसका हीरो बन जाऊंगा। तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो? मैं तुम्हें यहाँ लेकर नहीं आया हूँ, तुम हमें यहाँ लेकर आई हो। अब ऐसे नदी के पास खड़ी रहोगी तो पैर तो फिसलेगा ही ना, डूब जाती तुम, पता है? मैं फिसली नहीं हूँ, मुझे वहां से किसी ने धक्का दिया है, मुझे अच्छे से याद है। तुमने मुझे धक्का दिया। तुमने मुझे, हाँ, तुम्हें हीरो बनने का ज्यादा शौक है ना, इसलिए तुमने ऐसा किया, शो ऑफ। अगर मैं मर जाती तो? पहली बात, तुम फिर से ओवर जजमेंटल हो रही हो। ना ही तुम्हें धक्का दिया मैंने और ना ही मुझे कोई हीरो बनने का शौक है। और दूसरी बात ये, अगर तुम इस वक्त जो सांसें ले रही हो ना, मेरी वजह से, और झगड़ा करी हो मुझसे। झगड़ा? और मैं तुमसे बात ही ना करूं। हम कहाँ जाओ? अरे कहाँ जा रही हो? रुको, हेलो, कहाँ जा रही हो? ये पता करने के लिए कि हम लोग कहाँ पे फंसे और यहाँ बाहर जाने का रास्ता क्या है। अरे कोई फायदा नहीं है, सब ट्राई कर चुका हूँ मैं। तुमने ट्राई किया है ना, मैंने तो ट्राई नहीं किया ना। मुझे शाम ढलने से पहले और रात होने से पहले अपने दोस्त के पास वापस जाना है, बस। ये कोई ट्रैफिक जाम नहीं है, पास के घर पहुँच गए, ठीक है? सुनसान जगह है यहाँ पर। अगर मुझे रास्ता पता होता ना तो तुम्हें बेहोशी के हाथ में उठाकर वापस घर ले जाता मैं। क्या हुआ? बेहोशी की हालत में तुम मुझे घर ले जाते? अच्छा, तुम मुझे छूने का बहाना चाहिए ना, गुंडे कहीं के। अरे गुंडा ही सही, लेकिन कॉमन सेंस की एक बात मान लो, कपड़े सुखा लो अपने। कपड़े सुखा लो ताकि तुम मुझे और घूर सको, है ना? मुझसे घूरे लाल, मुझे अभी के अभी अपने दोस्त के पास वापस जाना है, बस। तो चिल्लाने से क्या होगा? रुको रुको, मैं कहाँ जाऊँ? यहाँ से चलते हैं। नहीं, आई थिंक पानी के साइड चलते हैं तो शायद कोई गांव मिल जाए। मतलब चल जी नहीं, पानी के साइड से हमें इस तरफ ही जाएंगे। मुझे वहाँ से किसी गाड़ी की आवाज आ रही थी, वहाँ कोई ना कोई रास्ता या कोई ना कोई हाईवे जरूर। गाड़ी की आवाज जंगल से? पागल हो गई हो क्या? इंडियाना जोन्स का कोई एडवेंचर नहीं है। चलो इस ओर चलते हैं। आओ, चलो। जी नहीं, उस ओर मैं नहीं जाने वाली, मुझे तुम्हें भरोसा नहीं है। मुझे जहाँ जाना है मैं वहीं जाऊंगी, बस। तो भरोसा क्यों नहीं है यार? एडवेंचर। मैडम हेलो, रुको रुको, क्या करूँ मैं? रुको, इशिका कहाँ जा रही है? तेरा नाम सुनाई देता था जब सुनता था अपनी सांसें, तेरा नाम सुनाई देता था। चांद को जब भी देखूं तो तेरा अक्स दिखाई देता था। पल को लम्हा लम्हा बस तेरा चेहरा दिखता था। तुझसे मिलने से पहले भी तेरा मेरा कोई रिश्ता था। इशिका, घर से कौन फोन कर रहा है? हेलो रणवीर, कहाँ हो तुम? कल रात से घर भी नहीं आए। रुपेंद्र जिस ट्रिप पर गया है ना, वहीं आया हूँ मैं। तुम क्या कर रहे हो वहाँ पे? पुलिस कभी भी कहीं भी जा सकती है, क्या करे, ड्यूटी ऐसी है। और तेरे रुपेंद्र की वजह से ना सब गड़बड़ हो गया। यहाँ पर आते ही पता चला कि रुपेंद्र नदी में गिर गया है, बह गया है, मिल नहीं रहा है, तो ढूंढ रहा हूँ। अब ढूंढूं या तेरे से परमिशन लूं? बहती नदी में गिर गया है। ये क्या कह रहे हो तुम? हेलो, अरे क्या हुआ रुपेंद्र को? वही मोटा काका जो मैंने कहा था, लड़कीबाजी का चक्कर। क्या मम्मी कहती है जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद ये सिचुएशन में डालकर भगवान इशारा कर रहा है कि रूप अपने दिल की बात बता दे, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। इशिका, तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ? तो मैंने पूछा क्या कर रही हो ये? अपनी जैकेट निकालो। अरे मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ यार। तो मैं भी कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। तुम्हारे पैड जॉक्स। जैकेट निकालो। लेकिन क्यों? मैंने कहा जैकेट निकालो जल्दी। कमाल है यार, तुमने क्या चाहती है लड़की? क्या करी हुई है? इधर हेल्प! कोई है? ये पकड़ो, पकड़ के रखना जोर से, ठीक है? हाँ। हिलना नहीं चाहिए। हेलीकॉप्टर नहीं आएगा। जैकेट अभी गीली है, हो गया? शर्ट पहन लो। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी शर्ट। अगर बुखार बढ़ गया ना, एक कदम यहाँ से आगे नहीं बढ़ा पाओगी, फिर हम वापस कैसे लौटेंगे? बड़ी फिक्र हो रही है तुम्हें मेरी। थैंक यू इतनी फिक्र करने की, पर ये जो बुखार हुआ है ना मुझे तुम्हारी वजह से, ये जो सर दुख रहा है ना मेरा, वो तुम्हारी वजह से। क्या? और ये जो जुकाम हुआ है ना, वो भी तुम्हारी वजह से। तुम ना जहाँ पे भी होते हो ना, हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर ही देते हो। तुम ना मेरी लाइफ में ना बहुत अनलकी से इंसान हो। मिस्टर पनौती, तो तुम मिस जिद्दी हो। किनारे किनारे चलो तो ना, शर्ट पहन लो तो ना, कपड़े सुखा लो तो ना, हर बात में ना। तो ठीक है, फिर मैं अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते। हाँ हाँ, जाओ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत भी नहीं है, मैं खुद रास्ता ढूंढ लूंगी। कोई है? अरे कोई तो होगा यहाँ पे। ये भगू, क्या करूं मैं? कोई है? कोई है? रुपेंद्र! सॉरी भगवान, इशिका को शेर की आवाज निकालकर डराना पड़ा। उस दिन मजाक में किया था, लेकिन आज तो जानबूझकर किया है, क्योंकि आज सच में शेर आ सकता है और इसको बुखार भी है। इशिका को बचाने के लिए किया। सॉरी।